नहीं आता कह दो। जितनी मेरी बिस्ती होगी है ना बहुत बजेगा ये। आज हमारे साथ हिना सलमान है जो कि मैं आपको ये पूरी नजर तेरा मुंह काला। बहुत बहुत ईद मुबारक और टिकटिकी के नाजरीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। इन्होंने अपना डिजाइन किया हुआ ड्रेस पहना या किसी डिजाइनर का पहना? ये तो वैसे आपने मुझे गाली दे दी है ना। अच्छा कौन सा कैमरा है? बहुत ही डार्क। ये काम करके है बस क्लोजिंग दे दो। दो घंटे मेरे मुंह पे मेकअप है। अब मैंने रोने लग जाना। टिकटिकी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। 6 छुट्टियों में 6 मेन्यूज और 6 कपड़े में। I love Sana Safi Naz. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ हिना सलमान। मैं आ रही हूँ ईद के तीसरे दिन टिकटिकी लगाने। डू सब्सक्राइब इट एंड स्टे ट्यून्ड विद अस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मीठी ईद की मीठी खुशियों के साथ मैं हूं आपकी होस्ट रिदा मलिक। और आज हमारे साथ मौजूद हैं हिना सलमान जो कि एक फैशन डिज़ाइनर हैं, बहुत फेमस फैशन डिज़ाइनर हैं। और जहां पे फैशन डिज़ाइनिंग की बात आती है वहां तो औरतों के कान खड़े हो जाते हैं कि कौन से ब्रांड, कौन से कपड़े, कैसे कपड़े। और ईद का मौका था, लॉकडाउन था, और ये सारी बातें तो हम इन्हीं से पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम हिना। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले तो बहुत बहुत ईद मुबारक आपको। बहुत बहुत ईद मुबारक और टिकटिकी के नाज़रीन को बहुत बहुत ईद मुबारक। ये मेरा पहला इंटरेक्शन इनसे और उनको मैं वेलकम कहती हूँ अपने बिहाफ पर कि आज वो मुझे थोड़ी सी मेरी बात सुने और थोड़ी सी मेरी बात जाने भी कि आजकल हम डिज़ाइनर्स हैं, हम सब ने कैसा क्या किया, क्या रोल हम लोगों ने प्ले किया है और कैसे दिन गुजरे हैं। खैर, तो ईद आपकी कैसी गुजरी है? ईद तो गुजरी है, आज ईद का तीसरा दिन है और मैं आप लोगों के साथ गुजारूंगी ईद का तीसरा दिन। अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन था, क्वारंटीन था, तो आपका मतलब आप फैशन डिज़ाइनर हैं तो अफेक्ट कैसे हुआ आप? देखिए, क्वारंटीन डेज ये मार्च से शुरू हुआ था और इट वॉज़ रियली बैड क्योंकि हमारे वर्कशॉप्स को लॉकडाउन कर दिया गया था गवर्नमेंट की तरफ से। देर वॉज नॉट इवन वी नेवर हैड अ परमिशन टू ओपन आर सेटअप्स। बट ये हुआ था कि मेरे जो डेली वेजेस हैं, ऑब्वियसली जो वर्कर्स हमारे यहाँ काम करते हैं, गवर्नमेंट ने तो कोई हमें इंसेंटिव नहीं दिए थे कि भाई कोई उनको कोई हमें कोई हो कि हम तो बिल्स भी दे रहे थे, हम तो वर्कशॉप के रेंट्स भी दे रहे थे। तो हमने वर्कर्स को नहीं निकाला, मैंने तो अपने वर्कर्स को नहीं निकाला, ये बात मैंने दस जगह मैंने अपने वर्कर्स को नहीं निकाला। हाँ, मैंने एक ड्राइव भी ज़रूर की थी, जैसे टॉय ड्राइव होती है रमदान में, उस तरह मैंने मास्क बनाए थे और अभी तक लाइक लास्ट वीक तक मास्क सारे डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। अराउंड 40,000 to 50,000 मास्क मैंने मैन्युफैक्चर किया है। आप इस बारे में क्या कहेंगे कि जैसे ही लॉकडाउन ओपन हुआ है और लोग शॉपिंग मॉल्स के बाहर लाइनें लग गई हैं और लोग बाज़ारों में रश इकट्ठा हो गया है, तो इतना लोग डॉक्टर्स और आपके मतलब आपने माशाल्लाह मास्क बनाए हैं और ये सारा कुछ, मेहनत का क्या फ़ायदा जब लोगों को इतना एहसास ही नहीं है, वो दोबारा उसी क्राउड में आ गए? रिता, बात यह है, या तो लॉकडाउन होता है या लॉकडाउन नहीं होता। हम इसी कश्मकश में पड़े हुए, लॉकडाउन है कि कर्फ्यू है, कर्फ्यू है कि लॉकडाउन है, कि लोगों को पता ही नहीं है कि आज लॉकडाउन है या लोग कहेंगे जी ईद तक लॉकडाउन है। देखिए, बात सुने, ये वेलफेयर स्टेट नहीं है, ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री है। इधर आपने खुद खाना है, खुद कमाना है, खुद लोग दूसरों को भी फीड करना है। यहाँ कोई आपके घरों में आके आपको नहीं पूछेगा भाई आपके घर में राशन है, आपके घर में आज किसी ने कुछ खाया हुआ है। तो लोगों को तो चाहिए, लोग तो बाहर निकलेंगे। जी, तो आज ईद का तीसरा दिन है और हिना माशाल्लाह बड़ी प्यारी लग रही है। और इनसे पूछते हैं कि इन्होंने अपना डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस पहना है या किसी डिज़ाइनर का पहना है? ये तो वैसे आपने मुझे गाली दे दी है ना कि एक डिज़ाइनर हो के दूसरे का ड्रेस कैसे पहन सकती है। ये मेरा अपना डिज़ाइन किया हुआ ड्रेस है और आजकल मैं बताती हूँ कि अगर आप ट्रेंड्स की बात की जाए तो मिरर वर्क इज़ वेरी मच इन फैशन। मैंने अपनी सारी कलेक्शन में मिरर वर्क इंट्रोड्यूस कराया है विद एम्ब्रॉयडरीज एंड विद यू नो सॉर्ट ऑफ व्हाट डू थिंक फॉइल प्रिंटेड दुपट्टास।
और द कलर दिस टाइम मेरी कलर पैलेट बहुत लाइट रही है, लाइक पेस्टल्स में रही है बिकॉज गर्मी भी बहुत है. ये झूठ वाली बात है कि लोगों ने कपड़े नहीं बनाए, ऐसी कोई बात नहीं, लोगों ने कपड़े बनाए हैं. हमारे पास भी लोगों ने स्टिचिंग्स के लिए भेजे हैं, ऑर्डर्स भी आए हैं, लेकिन हाँ उस लेवल का काम नहीं हुआ जिस लेवल का हमेशा होता है. उस लेवल के लोगों में सीधी सी बात है, लोगों के हर बंदे की प्रॉब्लम्स थी, एक लॉकडाउन सिचुएशन थी, हमारे लिए भी इश्यूज थे कि हम लोग अपनी कलेक्शंस को किस तरह शोकेस कराएं और किस तरह हम लॉन्च करें. और लोगों के अलावा भी बड़ा मसला था कि लोग अपना ब्रेड एंड बटर यू नो पूरा करें कि इस वक्त ड्रेसिंग के ऊपर जाएं. और ईद इस बार लोगों ने किसी ने किसी के घर नहीं जाना, और वही वाली बात है ना कि सोशल डिस्टेंस वाली ईद होगी. मे बी स्काइप पे ईद हो जाए सबकी, या जूम पे हो गया, जूम मीटिंग में ईद हो, सिर्फ तैयार होकर बैठेंगे और कहेंगे जी हम तैयार हुए हैं. लेकिन वही वाली बात है ना, बी पॉजिटिव. आई वुड से दैट कि किसी के लिए तैयार होने की क्या ज़रूरत है, अपने लिए तैयार हो. देखो मैं भी तो तैयार होकर बैठी हुई हूँ ना. मैंने हाँ किसी के लिए तैयार क्यों होना है, पहले तो होता था चलो उसको दिखाना, उसको साड़ना है हमने चाची की फूफी की बेटी को, तो फलां को, तो खाला को, तो फलां. आई थिंक नो, यू शुड बी सेल्फ कॉन्फिडेंट एंड यू शुड बी यू नो यू शुड हैव अ सेल्फ पर्सोना एंड सेल्फ स्टीम. और ख़ुद तैयार हो, अपने लिए तैयार हो, अपने लिए अच्छे लगो. हमने ये लाइफस्टाइल फॉलो करना है, ये हमें पता होना चाहिए कि ये लाइफस्टाइल है. अगर ये वाली बात है ना कि चार दिन मास्क लगा लोगे, पाँचवें दिन ही लगाओगे, तो ये आपकी गलत फहमी है. आपको मास्क और ग्लव्स के साथ जीना है, और मास्क और ग्लव्स के साथ फिरना है, और मास्क और ग्लव्स के साथ खाना है. चाहे मास्क उठा के खाओ, चाहे मास्क लगा के खाओ. खाने से याद आए कि आप इतनी प्यारी लग रही हैं आज, इतना हैवी ड्रेस पहना है, तो कुकिंग में क्या करेंगे आप? कुकिंग मैंने कर ली, मिसे भैया सबको खिला दिए मैंने आज. तीसरे दिन में तीन बार उन्होंने खा ली, पहले दिन बनाई थी. और आई थिंक आई विल कुक. यस आई एम अ ग्रेट कुक. आई वुडंट से कि मैं बहुत अच्छी कुक हूँ, लेकिन मैं बना लेती हूँ, अच्छा बना लेती हूँ. ईद वाले दिन तो मैंने बिरयानी बनाई थी और कोरमा था. और आज के दिन आई थिंक आई विल गो फॉर कॉन्टीनेंटल लाइक स्टेक्स एंड यू नो कॉन्टीनेंटल एंड चाइनीज, बिकॉज फर्स्ट डे मैंने ट्रेडिशनल कर लिया हुआ है. ये मेन्यू पहले से डिसाइड था, फर्स्ट डे सेकंड डे थर्ड डे का? ये मेन्यू मेरे घर से डिसाइड हुआ है कि व्हाट दे वांट टू ईट, एक्चुअली द फैमिली, व्हाट माय फैमिली वांट्स टू ईट. जी तो अभी तक मैंने आपको ये नहीं बताया कि हिना एंकर भी रह चुकी हुई हैं, तो हिना ये टर्न कैसे मतलब आया कि एंकर से एकदम से आप फैशन डिजाइनर? ये तो आपने मेरी दुखती रख पे पाँव पर रख दिया है. ये ऐसे आया कि यस आई वॉज न्यूज़ एंकर. Still, people think I'm a news anchor, but I'm not a news anchor anymore. I started my career in 2006, and उसके बाद then 2012 में I thought to take a you know break or to start my own business. और फिर मैं अपना business शुरू किया और मुझे अच्छा response आया. मैंने London गई shows के लिए, Paris Fashion Week किया मैंने, India में shows किए मैंने, Dubai में shows किए मैंने, UK में show किया. So When I thought कि ये मैंने जो ब्रेक लिया है ये एक मेरे लिए सक्सेसफुल ब्रेक था, एक ब्रेक थ्रू था लाइफ के लिए, बिकॉज आई ग्रेजुएटेड फ्राम नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड माई डिग्री वॉज इन टेक्सटाइल्स एज वेल एज इन मीडिया. सो आई थाट मीडिया तो मैंने बहुत कर ली, 2006 से लेकर 2013 तक मैंने मीडिया ही मीडिया किया है, रिपोर्टिंग एंड कॉरेस्पॉन्डेंटशिप एंड न्यूज़ राइटिंग. आई वॉन्टेड टू बी इन इन टू एंटरटेनमेंट, वाई नॉट? आई टुक अ स्टेप इन 2012. नाउ दैट वॉज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप ऑफ माइंड, और वो मेरे लिए अच्छा साबित हुआ. अच्छा है ना, ये बताएं कि आप अपने ब्रांड के अलावा कौन सा दूसरा ब्रांड वेयर करना पसंद करेंगे? बिल्कुल, मुझे एक डिज़ाइनर बहुत पसंद है और शायद मैं उनसे कभी नहीं मिली. लाइक ऑब्वियसली मैं काफ़ी लोगों के साथ काम किया लेकिन उनके साथ मौका नहीं मिला. शी इज़ कराची बेस्ड. आई लव सना सफीनाज एंड हर वर्क, एंड आई लव द वे शी जस्ट डू हर लॉन एंड स्टफ. एंड पाकिस्तान की वो मैं समझती हूँ कि वो पहली डिज़ाइनर है जिनके मैंने लॉन के कपड़े पहने थे और आज तक पहनती हूँ, जो मुझे शौक है जिनके कपड़े देखने का. आई लव नोमी अंसारी, आई लव अलीज़ी शान, दे हैव अ वेरी गुड टेस्ट. ऑल दो आई हैव, मैंने दोनों के साथ काम किया हुआ है, मैंने दोनों के साथ शोज़ किए हुए हैं. उनका एक उनका ना आई वुड से दे हैव अ पर्सोना. उनकी जब रैम पे वॉक आती है ना, तो लोग उनकी रैम की वॉक की थीम देखते हैं, क्लास देखते हैं, ना कि कपड़े देखते हैं, क्योंकि दे आर सच अ वाइब्रेंट, दे आर सच अ कलरफुल.
और आई थिंक सबसे बड़ी बात है, मैं हमेशा कहूँगी कि डिज़ाइनर्स को डिज़ाइनर्स प्रेस करना चाहिए। बहुत कम लोग हैं जो एक दूसरे को की तारीफ़ की करते हैं, लेकिन मैं हमेशा जो अच्छा काम होता है मैं हमेशा बोलती हूँ। और हम लोग जब जाते हैं एग्जिबिट करते हैं दुबई वगैरह में, तो हमारे पास इंडियन क्लाइंट्स इंडियन कस्टमर्स इतना ज़्यादा आता है और वो हमारा फैशन स्टेटमेंट देख के हैरान हो जाते हैं कि यार, ऑल्दो कि इंडिया इज़ सो बिग एंड दे हैव सो मच इनटू टेक्सटाइल्स, बट सीरियसली वी आर वेरी स्मॉल। हम लोग फिजिकली भी बहुत छोटे हैं और हम कहते हैं ना कि वो, लेकिन हमारे ब्रेन्स, हमारा फैशन वर्क, हमारी मेहनत, हमारे स्टाइल्स, हमारे कलर्स, वी आर हेडिंग अहेड देन इंडिया। अच्छा, ये ना आपके ब्रांड के प्राइस रेट्स वगैरह आपके क्या हैं, लाइक लो कॉस्ट है या फिर? अरिदा, इट आई वुड से कि इट डिपेंड्स ऑन द बजट। वी डू प्रेटवेयर, हमारा 5,000 से प्रेटवेयर शुरू होता है टिल गोज़ इट 20,000। जैसे मैंने ईद कलेक्शन बहुत अपनी हल्की रखी है, स्टार्टिंग फ्रॉम 5,000 एंड एंडिंग इन 30,000, ठीक है। दिस इज़ माई प्रेट कलेक्शन। ब्राइडल ऑब्वियसली स्टार्ट फ्रॉम 150 एंड गोज़ टिल 6-7, बिकॉज डिपेंड्स ऑन द वर्क ऑन द बजट। जितना हैवी काम उतना ज़्यादा, और जितना आप अपने हिसाब से बजट, हम लोग बेसिकली, हमारे पास जब क्लाइंट आता है तो हम उनसे ये ज़रूर पूछते हैं कि आपका बजट क्या है, तो हम लोग उनके बजट के साथ काम करते हैं कि भाई उनका जो बजट होगा तो हम उसमें बना के देते हैं। ऐसी बात भी नहीं कि वो डिज़ाइनर का कॉन्सेप्ट बन गया भाई डिज़ाइनर तो बहुत महंगा होगा। डिज़ाइनर प्राइस का मैंने इसीलिए पूछा क्योंकि डिज़ाइनर वेयर हमेशा जो है ना वो लोग समझते हैं यार ये बड़ा कॉस्टली होगा। वही मेरी बात है ना, मैंने आपको ये बताया कि डिज़ाइनर का ये मतलब नहीं कि बहुत कॉस्टली होगा, बट ये होता है कि डिज़ाइनर वेयर, डिज़ाइनर इज़ डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट। If you want to say कि this is designer work, this is something different, तो obviously वो cost तो अपनी लेगा ना फिर, और वो market में available नहीं होगा, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को बहुत problem है, ये तो market में रुला खुता designer आपने बनाया हुआ है, ये तो market में आम पड़ा हुआ है। So this is difference between market commodity and designer commodity. अच्छा, ये ना आपकी इतनी अच्छी कलेक्शन है, तो हमारे व्यूवर्स के साथ कुछ अपनी कलेक्शन शेयर करें, और आपके डिज़ाइन में ऐसी क्या खास बात है जो बाकी डिज़ाइनर्स में नहीं है, जो किसी और में कहा? अच्छा, हर डिज़ाइनर की वाकई एक स्टेटमेंट होता है। मेरा स्टेटमेंट मेरे कलर्स हैं, मैं कलर्स के साथ बहुत प्ले करती हूँ। मुझे जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, तो वो मैं ये समझती हूँ कि बिकॉज आई यूज़ वेरी वाइब्रेंट वेरी बोल्ड कलर्स, और मेरे एक जोड़े में एक कलर नज़र नहीं आएगा, उसमें 50 कलर में डाल के मिक्स कर, नहीं, जस्ट जोक्स अपार्ट, आई प्ले ऑन विद कलर्स बिकॉज आई थिंक देर इज़ नो लाइफ विदाउट कलर्स। रिदा, मेरा ट्रक आर्ट कलेक्शन 2 दिन पहले ईद के फर्स्ट डे लॉन्च हुआ, आज 3rd डे ऑनलाइन मैंने लॉन्च किया है, और मैं टिकटिकी के तमाम यूज़ को चाहती हूँ कि मेरी कलेक्शन देखें और साथ टिकटिकी बजाएं, बिकॉज आई थिंक इट्स अ वेरी टिकटिक कलेक्शन, सो लेट्स गो एंड वॉच, लेट्स गो, लेट्स चेक। ये तो थी हिना की इतनी खूबसूरत कलेक्शन, लाइक कलर स्कीम इनकी इतनी अच्छी थी, और हिना मुझे ये बताइए कि आपने किससे इंस्पायर होके ये किया? रेदा, जैसे मैंने आपको बताया था अभी जो ट्रक आर्ट कलेक्शन है वो वाला, वो तो मैंने इंस्पिरेशन ली थी पेशावर जाने, यू नो, और ट्रक आर्ट कलेक्शन में सबसे बड़ी बात है वो इतने खूबसूरत ट्रक आर्ट पे अपना कलर यूज करते हैं ना, वो कलर्स मेरे ऐसे कहते हैं ना, वो जेन शीन हो गए कि मैंने वही बनानी है, पिंक्स एंड ऑरेंज एंड रेड्स एंड फिरोजीज, तो मैंने वही कलर्स यूज किए एंड इट टर्न आउट टू बी, लॉन्च तो हो गया, 2 दिन हो गए लॉन्च हुए, वैसे मैं बताया कि मैंने फर्स्ट डे ईद के लॉन्च किया है, अब लेट्स सी द रिस्पॉन्स इंशाल्लाह, आई होप एवरीवन गोना लाइक इट, और ये मैंने अपनी बहुत दिल से, बहुत मेहनत से, बहुत कहते हैं ना कि दिल गुर्दा रख के एक इंस्पिरेशन निकाली और उसको डिज़ाइन किया।